हेलो स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है उसमें मैं जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो बायोलॉजी स्ट्रीम है उसके पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस बताने वाली हूँ, जिसमें कि आप देखेंगे कि आपके सारे सब्जेक्ट्स में क्वार्टरली एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और साथ में हिंदी और इंग्लिश ऐसे करके पांचों सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। और 11th वालों के लिए यहाँ पे एक ही वीडियो के अंदर आपके पांचों विषय का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पाठ्यक्रम यहाँ पर मैं इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका भौतिक विज्ञान में हम देखेंगे कि आपके टोटल 6 अध्याय आने हैं, जिसमें कि अध्याय नंबर 1 मापन एवं मात्रक, अध्याय नंबर 2 सरल रेखा में गति, अध्याय नंबर 3 समतल में गति, अध्याय नंबर 4 गति का नियम। यहाँ पे देखिए ये चारों आपके लाइन्स हैं, मतलब सीक्वेंस में। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं सीधे 5, 6, 7, 8 आपके नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट फिर यहाँ पे आ जाइए आप अध्याय नंबर 9 पे, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। उसके बाद अध्याय नंबर यहाँ पे 5 है, कार्य ऊर्जा और शक्ति, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 और साथ में अध्याय नंबर 9। ऐसे करके टोटल आपके यहाँ पे 6 यूनिट त्रैमासिक परीक्षा में आने वाली हैं, इन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीव विज्ञान। तो आपके जीव विज्ञान में हम देखेंगे कि टोटल यहाँ पर 9 यूनिट आपको पूछी जाएंगी। जब सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम तो अध्याय 1, अध्याय 2, ठीक है, इसमें क्या है, अध्याय 1 में जीव जगत, अध्याय 2 में है जीव जगत का वर्गीकरण। फिर हम आ जाते हैं अध्याय नंबर 5, पुष्पीय पदों की आकृति की। उसके बाद अध्याय नंबर 6, पुष्पीय पादपों का शरीर। फिर उसके बाद हम देखेंगे अध्याय नंबर 8, कोशिका जीवन की इकाई। 9, जैव अणु। 14, श्वसन और गैसों का विनिमय। 15, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। और फिर अंतिम है 16, उत्सर्जी उत्पाद। तो ऐसे करके टोटल आपके यहाँ पे 9 यूनिट पूछी जाएंगी। चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपका आएगा अध्याय नंबर 1, तो उसमें है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा और ये उसके अंदर के ही आपके टॉपिक्स हैं। उसके बाद अध्याय नंबर 2, परमाणु की संरचना। फिर अध्याय नंबर 3 में है तत्वों का वर्गीकरण। अध्याय नंबर 4 है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, ठीक है। फिर उसके बाद आणविक संरचना और रासायनिक आबंधन के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे अध्याय नंबर जो 5 नंबर का जो क्रम है उसमें आपका अध्याय नंबर 8 है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो 8वें नंबर का जो आपका यूनिट है वो यहाँ पे आएगा कार्बनिक रसायन की मूलभूत सिद्धांत। उसके बाद फिर 6वें नंबर के क्रम में है अध्याय नंबर 6, साम्यावस्था। तो ऐसे करके टोटल आपके यहाँ पे केमिस्ट्री में 6 यूनिट आने वाली हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 और साथ में 6 और 8, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपका इंग्लिश। इंग्लिश में हम यहाँ पे देख लेंगे कि आपकी जो हॉर्नबिल जो बुक है उससे क्या आएगा, प्रोज यानी कि गद्य। गद्य के कौन से लेसन आने वाले, जो कहानी वाले हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उसके बाद फिर सेकंड है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। फिर लेसन नंबर 3 डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूस। उसके बाद फिर हम पोइट्री पे आ जाएंगे। पोइट्री में कौन कौन सी पोएम देखने को मिलेंगी यहाँ पे आप के सिलेबस में, अ फोटोग्राफ, सेकंड है द लेबनम टॉप, थर्ड है द वॉइस ऑफ द रेन। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि स्नैपशॉट जो बुक है उससे आपका आएगा लेसन नंबर 1, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सेकंड द एड्रेस, थर्ड मदर्स डे, और लेसन नंबर 4 द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि रीडिंग वाले सेक्शन में नोट मेकिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे आपके अनसीन पैसेजेस आने वाले हैं और नोट मेकिंग भी आपका अनसीन पैसेज के अंदर ही आता है। फिर ग्रामर में हम देखेंगे टेंस, डिटर्मिनस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंपाउंड सेंटेंस, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस और मॉडल्स।
तो इनके वीडियोस जो हैं वो आपको मैं इंग्लिश ग्रामर में कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम राइटिंग सेक्शन में देखेंगे तो पोस्टर मेकिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट और रिपोर्ट राइटिंग, इनमें से कोई भी और मैं यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद अंतिम में आ जाता आपका हिंदी सब्जेक्ट। तो हिंदी सब्जेक्ट में हम यहाँ देख लेंगे कि आपका जो आरोह भाग एक है उससे यहाँ पे जो पाठ देखने को मिलेंगे वो हैं कबीर, हम तो एक एक करी जाना, मीठा मेरे तो गिरिधर गोपाल, तीसरा है घर की याद। उसके बाद यहाँ पे जो काव्य खंड है उससे आपको पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो वितान भाग एक है उसमें हम यहाँ पे दो चैप्टर देखेंगे, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और दूसरा है राजस्थान की रजत बूंदे। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपके ग्रामर में भाव पल्लवन, ठीक है, शब्द शक्ति, शब्द गुण, रस का परिचय, ठीक है, उसके अंतर्गत ये वाले पॉइंट्स पूछे जाएंगे, छंद परिचय एवं प्रकार। फिर आते हैं हम गद्य खंड पे, तो यहाँ पे गद्य खंड में गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम एवं प्रवृत्तियाँ, इसका वीडियो मैंने अभी प्लेलिस्ट में आपको जाके मिल जाएगा अपलोड कर दिया। इसकी मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है जिससे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यदि आपने नहीं देखा तो फटाफट जाके देख लीजिए तो आपका ये वाला टॉपिक वहीं पर कवर हो जाएगा। फिर गद्य की विधाओं में कहानी संस्मरण, व्यंग्यात्मक निबंध, एकांकी, लेखक और कवि परिचय दोनों यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद इसके अंतर्गत जो पाठ है वो है नमक का दरोगा, मियां नसीरुद्दीन, फिर अप्पू के साथ ढाई साल, विदाई संभाषण और गलता लोहा। उसके बाद फिर अभिव्यक्ति और माध्यम में क्या पूछा जाएगा, जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, डायरी लिखने की कला, ठीक है। फिर उसके बाद व्याकरण में हम देखेंगे निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश और पद्यांश, काव्य के भेद अलंकार, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन। तो ये था आपका पूरा हिंदी का सिलेबस। तो यहाँ पे मैंने हिंदी के 2 से 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें मैंने 2 से 3 टॉपिक्स को कवर करवा दिया है। तो हिंदी के वो वीडियोस आप देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट आपको इंग्लिश के ग्रामर के वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो सारे वीडियोस को फुल सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।